वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अब एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया और इस रैली में कांग्रेस के निशाने पर मोदी सरकार थी। राहुल गांधी ने यहां बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की देन है, केवल आवाज बुलंद करते हैं साथी, आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। यही हमारे देश की महानता है। तो मोदी जी हमें कौन कौन सा अमृत पिलाए हैं, सारा नुकसान फेल हो गया है। सभा महंगाई की बात की है, हिंदू अपने डर का सामना करता है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, लेकिन सरकारें अपनी राजनीति में मस्त हैं। महंगाई को लेकर हर ओर त्राहिमाम है, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, सबको चुनाव के वक्त पर वोट बैंक दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले अब कांग्रेस भी महंगाई को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है। अक्सर ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज एक मंच पर आकर मेगा रैली करते दिखाई दिए। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ के नाम से मेगा रैली की। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आई हैं। हालांकि सोनिया ने रैली को संबोधित नहीं किया। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, किसान आंदोलन और पूंजीपतियों का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोला। 25 लाख रुपए उन्होंने कमाया एक्साइज ड्यूटी पे और हर साल 4 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल के ऊपर कमाते हैं और आज हमसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करो, हमारे जमाने में डीजल की कीमत क्या थी, कंपेयर करो हमारे जमाने में पेट्रोल क्या थी दाम। मेगा रैली हो, नजदीक चुनाव हो और विपक्ष की जुबान से सत्ता पक्ष के लिए जुबानी तीर न छूटे, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदुत्व को ही निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्ता का ग्रह है। राहुल ने कहा कि झूठे हिंदुत्ववादी ताकतों को हटाकर सच्चे हिंदू को लाना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है, हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है, हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस बेहद एक्टिव दिखाई दे रही है। बता दें कि ये रैली पहले दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन दिल्ली NCR में रैली की इजाजत नहीं मिलने पर इसे जयपुर में शिफ्ट करने का फैसला किया गया।